हे दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये ब्लॉग छोटा सा, और सुबह का क्लिप है। मैं सुबह में ही थोड़ा सा मैंने वीडियो बना लिया था, क्योंकि मैं कोई भी ब्लॉग शेयर नहीं कर पा रही थी आप लोगों के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से इन्फेक्शन मुझे बहुत ज़्यादा हो गया था। इन्फेक्शन क्या, एलर्जी, वही बहुत ज़्यादा हो गया था। पता नहीं कैसे हो जाता है, मुझे कुछ पता भी नहीं चलता, और थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से 2-3 दिन तो मैं बिल्कुल ही नहीं कुछ कर पाई थी, और एलर्जी की वजह से बुखार भी हो गया था, और मेरी नाक की थोड़ी सी हड्डी भी थोड़ी बढ़ गई है। इसी की वजह से बार बार मुझे एलर्जी इन्फेक्शन हो जाता है। तो मुझे बुखार अभी भी, जब मैं खाना बना रही हूँ आप लोग देख रहे हैं, तो भी मुझे बुखार बहुत ज़्यादा ही हुआ था, जिसकी वजह से मैं, और बिल्कुल भी मुझसे उठा नहीं जा रहा था। तो मैंने दुबे जी से कहा कि धूप में ही गलियारा है किचन के बाहर, तो यहाँ पे धूप आ जाता है, तो मैं यहीं पे बैठ के तो सब्जी बना रही हूँ धूप में ही, और यहाँ पे धूप खूब अच्छे से हो गया था, तो बैठ के वहीं बना रही थी सब्जी। आलू की भुजिया एक साइड बना रही हूँ, और एक साइड मीठे वाली पूड़ी बना रही हूँ, और इधर स्कूल के लिए मेरा बेटा रेडी हो रहा है। इधर बस मेरी आलू की भुजिया बन चुकी है। अभी बहुत ज़्यादा सुबह भी नहीं है, 8 बज चुके हैं, क्योंकि आज सुबह में स्कूल चले जाते हैं, बट आज स्कूल बस मिस कर दिया है, क्योंकि एग्ज़ाम हो रहा है, तो एग्ज़ाम होता है 10 बजे से, तो इसलिए स्कूल बस से नहीं गया, आज जाएगा ऑटो से, तो इसलिए लेट से। और मेरा तबीयत भी नहीं सही था कि मैं उठ के कुछ खाना वाना बनाऊँ सुबह में, तो अभी चाय हमने पी लिया है पहले ही, और नाश्ता बना रही हूँ। तो आलू की भुजिया सिंपल तरीके से खूब अच्छे से भून लूँगी, और मीठी वाली कचौड़ी जो होती है चीनी डाल के बनाते हैं, चीनी, और मैं उसमें रिफाइंड ऐड कर देती हूँ। मुझे ऐसे बनाने में कचौड़ी बहुत अच्छी लगती है, तो ये बना रही थी। और सादी पूड़ियाँ बना लूँगी, तो सादी पूड़ियाँ भी मैंने बना लिया है, और इधर मेरी आलू की भुजिया भी बन चुकी है, आप लोग देख सकते हैं, और बहुत टेस्टी बनती है ऐसे। खूब ज़्यादा मैं फ्राई कर देती हूँ आलू को भी, और इधर मैंने मीठी वाली पूड़ी और ऐसे पूड़ी दोनों बना ली हैं। अब ले आ करके वहाँ से फिर किचन में रख दे रही हूँ। जो बाहर मैंने गैस रखा है वो न्यू है, वो अलग गैस था, और यहाँ पे किचन का सब सामान किचन में ही है, उसे मैंने नहीं निकाला, क्योंकि पहले से रखी हुई थी, तो मैंने इसे ही लगवा लिया था बाहर, तो वहीं पे बैठ के धूप था तो धूप में बना लिया, नहीं तो ऐसे तो मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था कि मैं बनाऊँ। और बुखार भी मुझे काफ़ी हुआ था, तेज़ बुखार था, नहीं खाना बना रही थी, तो खाना बना दिया है मैंने, और सभी लोग नाश्ता भी कर चुके हैं, मैं जा रही हूँ नाश्ता करने, और उसके बाद मुझे खानी है दवाई, क्योंकि अभी दवा मैंने नहीं खाई है, तो दवा खाऊंगी, फिर 1-2 घंटा रेस्ट करूंगी, तभी बुखार अच्छे से उतरेगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, और आप लोग भी खाना खा लीजिए, मैं भी कर रही हूँ नाश्ता। जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ और वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो थोड़ी सी मेरी तबीयत पहले से अब अच्छी हो गई है। ये वीडियो मेरे फ़ोन में पहले की है, तो अभी मैं पहले से ठीक हो गई हूँ। बहुत दिनों बाद छोटा सा वीडियो शेयर कर रही हूँ, फुल वीडियो वॉच करिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल।